आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजद अपने संगठन को धारदार बनाने की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में राजद युवा आगामी 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर एक दिवसीय धरना करने जा रही है। इस बात की जानकारी राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दी। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राजद युवा की 2 दिवसीय मैराथन बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें संगठन को मजबूत करने और धारदार बनाने के लिए योजना बनाई गई है। 2 दिनों से युवा राजद की मैराथन बैठक चल रही थी और बैठक में संगठन को सशक्त मजबूत धारदार तो बनाने की बात की गई है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए हैं वो निर्णय है कि संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर एक दिवसीय पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों पर युवा राजद का विशाल धरना का कार्यक्रम रखा गया है। जो महंगाई है, लाचारी बेबसी है, नई शिक्षा नीति है, जातीय गणना है, इन सवालों को लेकर के एक व्यापक असरदार धरना एक दिवसीय संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर लिया गया। आप सब जानते हैं कि जो वर्तमान जो नई शिक्षा नीति जिसके कारण युवा तो परेशान है लेकिन युवतियों को और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नए विश्वविद्यालय जो नीतियां हैं, जिन कॉलेजों में 3,000 से कम शिक्षक हैं विद्यार्थी हैं उनको अटैच किया जाएगा। और जरा कल्पना कर लीजिए कि गांव और इलाकों में जहां युवती पढ़ती हैं उनके लिए और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो शिक्षा नीति को लेकर के, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, औने पौने भाव देश की संपदाओं को चंद धरना सेठों के हाथ में जो दी जा रही है देश की संपत्ति, उसके खिलाफ जाति आधारित गणना को आम जन की लड़ाई बनानी है। पार्टियां इन सवालों पर एक मत है देश के अंदर में, लगभग सभी समान विचारधारा वाले दल एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके देश में हर की इच्छा है कि जाति की गणना होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश के अंदर में जाति की गणना। राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि औने पौने भाव में देश की संपदा को चंद धरना सेठों के हाथों में दी जा रही है। देश की संपत्ति को उसके खिलाफ जाति जनगणना को आम जन की लड़ाई बनानी है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।